फ्रेंड्स कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी में आपने सपने में चाकू देखा है, तो ये कैसा स्वप्न माना जाता है, इस बात ये वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चाकू आप भी जानते हो कि रियल जिंदगी में भी चाकू का यूज हम अच्छे तरीके से भी, अच्छे कामों में भी कर सकते हैं और बुरे कामों में भी कर सकते हैं। जैसे चाकू से हमें चोट भी लग सकती है और चाकू से सब्जी भी कट सकती है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों तरीके से, एक तरीके से पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरीके से ये स्वप्न माना जाता है। लेकिन ये फर्क ये पड़ता है कि आप चाकू को किस कंडीशन पे, मतलब कि किस स्थिति में आप चाकू को देख रहे हो। अगर आप सिर्फ चाकू को देख रहे हो और उससे किसी को हानि नहीं पहुंच रही है, तो ये अच्छा स्वप्न माना जाता है। और माना जाता है कि आने वाले समय में आप, मतलब कि अच्छा तेज, मतलब आपके जीवन में बदलाव हो सकता है और आप के अंदर जो कमी है वो दूर हो सकती है, और आपका बच्चा भी तेज तर्राट हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है। लेकिन अगर आप वही चाकू का गलत यूज कर रहे हो, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपके कोई दुश्मन आपका बन सकता है, रिश्तेदार में से, दोस्त में से कोई, सभी आपकी किसी से दुश्मनी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।